हाय, पहले इधर ही आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल वांट टू नो अबाउट द वीवा 2015 यू आर सेलिब्रेटिंग एंड आल्सो द रिस्पॉन्ड फाउंडेशन, सो व्हाट इज ऑल अबाउट? वेल, आई हैव अ फाउंडेशन कॉल्ड रिस्पॉन्ड फाउंडेशन, जिसमें हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अब हमारा एंडेवर ये है कि हम छोटे बच्चों को लेके, जो कि टैलेंटेड हैं या डिसेबल्ड हैं या चैलेंज्ड चिल्ड्रन हैं, उनको हम सिखाएंगे, उनके लिए कुछ फंडिंग करेंगे, ताकि वो जिस क्राफ्ट में या जिस आर्ट में अच्छे हैं उसमें उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो उस हुनर को आगे बढ़ा सकें। तो हमारा रिश्ता विवाह के साथ ऐसे है कि उन्होंने हमें एक स्टॉल दिया है, मुझे एक स्टॉल दिया है किरण जुनेजा को, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने कुछ कपड़े, और दे हैव केप्ट सम बर्नर्स देयर फॉर सेल, एंड वट एवर सेल्स फ्रॉम दैट, पार्ट ऑफ दैट प्रोसीड्स विल गो इनटू रिस्पॉन्ड फाउंडेशन, विच विल बी डोनेटेड टू द रिस्पॉन्ड फाउंडेशन, एंड फ्रॉम दैट वी विल बी डूइंग दिस इनिशिएटिव, जहाँ हम बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम फंड करें। देखिए, एग्जीबिशन तो विवाह हमेशा ही बहुत खूबसूरत होती है, नाम ही खूबसूरत है, आपको मालूम है कि इट्स अ वेडिंग दिस थिंग, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, तो इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जीबिशन और काफ़ी साल से हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इनके साथ एसोसिएट करना बहुत अच्छा रहे। बीन द पार्ट ऑफ एन एग्जीबिशन, आपने अपना स्टॉल वहाँ पर लगाया, उसमें स्टॉल में क्या क्या कलेक्शन, किस किस के कलेक्शन? मेरी एक फ्रेंड की हैं जो कपड़े बनाती हैं, फिल्म लाइन में काफ़ी एक्टर्स वगैरह के कपड़े भी बनाती हैं, और मेरी फ्रेंड है सुचित्रा, जो कि कैंडल्स और बर्नर्स वगैरह बनाती हैं, तो उन्होंने अपने अरोमा बर्नर्स वहाँ रखे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें रिस्पॉन्ड फाउंडेशन की, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ आया, मतलब कब आया? मैदम म्यूजिशियंस हों, डांसर्स हों, सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, मैंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और कुछ ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनको कनेक्ट नहीं मिलता, उनको सही सपोर्ट नहीं मिलती। तो गरीब लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए, बूढ़ों को भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट को भी सपोर्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि उस एरिया में हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो क्यों ना इस एरिया में, जो कि मेरा एरिया है, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको कहीं कनेक्ट कर सकती हूँ, कहीं भेज सकती हूँ, कहीं रेकमेंड कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा काम क्यों ना करूँ जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। कोई तकलीफ नहीं आई मुझे, इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों को बुलाया, सिंगर्स थे, अदान सामी थे, जैसे भप्पी लहरी दावे थे, सिंगर्स थी अपना अलका याग्निक थी, ऐसे सुनिधि चौहान, एक्टर्स थे बहुत सारे, ईशा गोपीकर आई मेरे शो पे, मतलब फ्रॉम एवरी फील्ड मैंने लोगों को बुलाया था, मैंने जर्नलिस्ट को बुलाया था, राइटर्स को बुलाया था, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बुलाया था, और सब फील्ड से लोग आए थे, एंड दे स्पोक अबाउट द फाउंडेशन एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट। किरण जी, दिवाली भी आ रही, तो किस तरह से प्लान होते हैं आपके दिवाली के, और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप दिवाली? देखिए, मैं दिए जलाने में बिलीव नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है बहुत पोल्यूशन होती है। मेरे तीन फंडाज हैं लाइफ में, पानी वेस्ट मत करो, लाइट वेस्ट मत करो, और पोल्यूशन कम करो। तो मैं दिए नहीं जलाती हूँ, मैं थोड़े से इलेक्ट्रिक दिए, जो अब जो चाइना से यहाँ आते हैं, वो कुछ दिए मैं, या जो लाइटिंग होती है, जो बहुत ही सस्ती होती है, उनकी जो छोटी छोटी वो जो मिर्ची लाइटिंग जिसको बोलते हैं, जिसकी कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है, वो लाइट्स से मैं अपने घर को सजाती हूँ, लेकिन मैं तेल और दिया मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे धुआं भी होता है और आप तेल बहुत वेस्ट करते हैं। आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं किरण जुनेजा सब दर्शकों को अपनी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएँ देती हूँ।
रोल है जी। हमें इसमें बहुत ही ध्यान से आपने सारे कलेक्शन को देखा तो बताइए कि कैसे रही। आई थिंक बहुत खूबसूरत कलेक्शन था। मैं अभी अभी आ रही हूँ वहाँ से एंड इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है एंड द क्लोज आर सो ब्यूटिफुल एंड यू नो इट्स अ फैबुलस थिंग विच इज़ डन बाय विवा बिकॉज इट्स एक्चुअली अ लेडीज प्रॉपर लेडीज़ को यू नो व्हेन यू वांट टू इंडल्ज योर सेल्फ इट्स वन प्लेस वेयर आप सब वेयर ऑल द लेडीज़ कैन कम एंड दे कैन जस्ट लीव देमसेल्फ फ्री। मुझे बहुत खूबसूरत लगी कुछ जूतियाँ जो पैरों के लिए थी बहुत खूबसूरत थी कुछ इंडियन चूड़ीदार बहुत सुंदर थे सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रिटी स्टफ है और मेरे को बहुत मन कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ। शॉप करने का आपने सोचा ऊपर से? मैं सोच रही थी उतनी देर में हम ऊपर आ गए तो आई थिंक मैं यहाँ से सीधा नीचे भागने वाली हूँ एंड आई एम गोना डेफिनेटली पिक अप लॉट ऑफ स्टाफ। हम तो 2016 की बात करें आपकी मूवी आ रही है सनम पे, सो कैसे मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसा चल रहा है उसका? रोज़ मैं डिस्कशंस में इन्वॉल्व हूँ एंड अभी मैं ट्रेलर काट रही हूँ पिक्चर का एंड ट्रेलर दिसंबर में आउट हो जाएगा सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज यू नो ट्रेलर ही आई बिलीव ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग एकदम सब लोगों की यू नो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएँ और लोगों को मन करे पिक्चर देखने का सो आई एम ट्राइंग टू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। यू नो हम घर पर तो बहुत साइलेंट दिवाली करते हैं, बिल्कुल क्रैकर्स वगैरह बर्स नहीं करते बट डेफिनेटली अपनी सारी डाइट्री रिस्ट्रिक्शंस भूल जाते हैं और बहुत इंडल्ज करते हैं हर तरह के खानों में एंड आई थिंक वो बहुत मज़ा आता है बिकॉज एक दिन ऐसा होता है साल में जब आप यू नो सब भूल भाल के यू कैन हैव स्वीट्स यू कैन हैव फ्राइड सो बहुत मज़ा आता है। आई वुड लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स एक बार बोलती हूँ Hi guys, this is Divya Khosla Kumar wishing all of you a very very happy and prosperous Diwali. Thank you so much.